बॉलीवुड जगत के जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉय के पदाधिकारियों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की बात अब नकार दी है। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ शूटिंग रोकने की बात पर शिकायत अम्बोली पुलिस स्टेशन में की है। पहले यह अफवाह उठाई गई कि गणेश आचार्य ने अम्बोली पुलिस स्टेशन में लिखित रूप से शिकायत दी है कि फेडरेशन के ट्रेसरर गंगेश्वर श्रीवास्तव और महासचिव अशोक दुबे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज इस मामले में फेडरेशन के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने यह स्पष्ट किया है कि फेडरेशन के किसी भी पदाधिकारियों ने धमकी नहीं दी, बल्कि मजदूरों और डांसरों का पैसा ना देने वाले कोरियोग्राफर गणेश आचार्य से उन मजदूरों की मेहनत का पैसा मांगा जा रहा है जो कि वह नहीं दे रहे हैं। गणेश आचार्य का हम सम्मान करते हैं, मजदूरों के मसलों पर पहले भी फेडरेशन से लिखित माफी मांग चुके हैं। मजदूरों को मेहनताना ना देना पड़े, इसीलिए फेडरेशन के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। गणेश आचार्य ने अपने पक्ष में कहा कि फेडरेशन उन पर दबाव डाल रही है, जिन किसी मजदूरों का या डांसरों का पैसा बाकी है वह उनसे संपर्क करे। वही मजदूरों का पक्ष जाने तो उनका कहना है कि गणेश आचार्य किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करते। ये बिल्कुल सरासर गलत है। पैसे की वसूली हम नहीं करते हैं, हम अपने वर्कर के हक की वसूली करते हैं, वसूली भी नहीं करते, उनको दिलाने की कोशिश करते हैं। फेडरेशन की जो स्थापना हुई है 70 साल पहले, उसमें हमारा संविधान के अंदर ये पहली लाइन है कि हम अपने वर्कर के हित के लिए कुछ भी करेंगे। उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए फेडरेशन बनाया गया था, मदर बॉडी, जिसमें सारे एसोसिएशन इन्वॉल्व हुई थी। और ये अधिकार तब दिया गया जब उसकी एसोसिएशन उस पैसे को नहीं दिला पाती है, वो लेटर हमारे पास आता है, फेडरेशन मिलकर के इस पर फैसला करती है कि आप यदि काम नहीं देंगे, हमारे पास एक ही हथियार है, हम कोई फाइटर नहीं है, हम कोई गुंडे नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, हमारे पास एक ही अधिकार है कि हमारी आज़ादी है कि हम आपके साथ काम करें या ना करें। और हमने उनके साथ असहयोग आंदोलन की बात की है, सपोर्ट न करने की बात की है, हमने वसूली की बात नहीं की है कि जब तक आप हमारे वर्कर का पेमेंट नहीं करते हैं तब तक हम आपके साथ या हमारे कोई भी सदस्य काम नहीं करेंगे। इसके लिए कोई भी हमें देश का कानून बाध्य नहीं कर सकता कि हमें किसी के भी साथ काम करना पड़ेगा। हमारी मर्जी है, यदि हमको आप अच्छे नहीं लगते हैं, आपके तौर तरीके अच्छे नहीं हैं, हमारे मजदूरी के हक को आप नहीं देना चाहते हैं, तो हम आपके साथ काम न करने के लिए कभी भी आज़ाद हैं। अशोक जी, गणेश आचार्य जी के साथ में क्या आपने गाली गलौज की है? गणेश आचार्य जी बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, बड़े कोरियोग्राफर है, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं कि मैंने जान से मारने की धमकी दी, ये सरासर गलत है। ना आज तक मैंने कभी उनको फोन किया है। जब हमने उनके खिलाफ लेटर देना चालू किया कि हमारे मजदूरों का पैसा आप दे दीजिए, चेक दिया उन्होंने, चेक बाउंस कर दिया 17 लाख रुपए का। उसके बाद खाने वालों के पैसे हैं, माड़िया के पैसे हैं, जो हमारे साथ एसोसिएशन जुड़ी है, वो पैसा मांगना क्या धमकी है? अगर इस तरीके की धमकी वो मानते हैं कि वर्कर का पैसा मांगना धमकी है, तो ठीक है, फिर मैं धमकी दूंगा, क्योंकि मजदूर डेली काम करता है, डेली कमाता है, तो उसके घर पे खाने बन। अगर 2 साल से आप पिक्चर कर रहे हो, रिलीज हो गई पिक्चर, रिलीज खत्म हो गए, 1 साल हो गए, और आप पैसा नहीं दोगे, और उसके बाद फेडरेशन मांगे भी ना पैसा, तब तो फेडरेशन आपके लिए सही है। और फेडरेशन अगर मांग रही है पैसा, अशोक दुबे, गंगेश्वर श्रीवास्तव अगर आपको लेटर दे रहे हैं, मांग रहे हैं पैसा, तो वो धमकी हो गई, तो ये सरासर गलत है। कौन से फिल्मों का पैसा बाकी है जिसकी आप मांग कर रहे? ये 2016 में भिखारी पिक्चर मराठी फिल्म है, वो चालू हुई थी बनना, 2017 में रिलीज हुई, जिसके प्रोड्यूसर शरद शेलार जी हैं, को प्रोड्यूसर गणेश आचार्य जी हैं। तो जो प्रोड्यूसर होता है उसकी लायबिलिटी बनती है वर्कर का पैसा देने की। आज गणेश आचार्य जी कह रहे हैं कि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूं, आप जबकि गूगल पे चेक कर सकते हैं, सेंसर में चेक कर सकते हैं, हर जगह उनके नाम है, और कोई कैसे डिनाई कर सकता? वर्कर ने आपके साथ काम किया है, सब वर्कर कह रहे हैं कि भाई प्रोड्यूसर गणेश आचार्य, आप देख सकते हो कि मैं आपको दूंगा पेपर, देख सकते हो उसमें प्रोड्यूसर कौन है। आप डिनाई कैसे कर सकते हो कि मैं प्रोड्यूसर नहीं, मेरी लायबिलिटी बनती नहीं है? उन्होंने 7 लाख रुपए का चेक लाइट वेंडर को दिया, वो बाउंस हो गया, स्टॉप पेमेंट करा दिया उन्होंने। उन्होंने 10 लाख रुपए का चेक फिल्म मजदूर यूनियन को दिया, वो स्टॉप पेमेंट करा दिया,
और सबसे बड़ी बात ये कि पेमेंट स्टॉप करने के बाद भी बैंक से स्टाफ को गुमराह करके वो चेक लेके चले गए, जो कि सरासर गलत है। बैंक ने हमें लेटर भी दिया कि गणेश आचार्य ने हमें स्टॉप पेमेंट कराया। तो आप एक तो चोरी कर रहे हो और ऊपर से सीना जोड़ी भी करोगे। मुझे जहां तक लगता है कि उनकी 3-4 पिक्चर अपकमिंग है जो काम करने वाले हैं, हमने उनसे यही कहा जब तक हमारे मजदूरों का पैसा नहीं मिलेगा हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो ये बोलना भी आज के लोकतंत्र में गलत है। हम तो फ्री, हम किसके साथ भी काम कर सकते हैं किसके साथ नहीं कर सकते हैं। आप पैसा भी ना दो और हमारे लोग भी काम करें, ये मंजूर नहीं है। अभय जी, ऐसा है, उन्होंने पुलिस में आपके खिलाफ शिकायत की है, ठीक है, आपको कानून व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था पर अगर विश्वास है तो पुलिस को मामला इंक्वायर करने दीजिए। कैसा है सर कि हम तो, हमें तो जानकारी कल प्रेस के माध्यम से हुई कि उन्होंने हमारे खिलाफ ये किया। आज पुलिस स्टेशन से फोन आया गंगेश्वर जी को कि ऐसी ऐसी गलत, हम तो जाएंगे पुलिस स्टेशन, हम अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे कि मुझे मालूम है कि पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है। वो देखेंगे ना, किसी के कहने से कि मैंने इस व्यक्ति को जान से मारने की धमकी थोड़ी प्रूफ हो जाएगा, वो तो एविडेंस देखेंगे ना। सीनियर साहब ने ये कहा कि भाई हम देखेंगे इसमें तथ्य क्या है, तथ्य होने के बाद हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे तो पूरा व्यवस्था है, न्यायपालिका कोई भी बात करने की कोशिश नहीं की। हमने एम्पायर प्रोड्यूसर बॉडी के प्रेसिडेंट टीपी अग्रवाल जी ने एक चेक मेंबरों को दिलाया था, मेंबरों को बोला था कि उन्होंने जिम्मेदारी, हमने उनसे बात करने की कोशिश किया, उन्होंने भी उससे कोशिश किया कि वो पेमेंट दिलाए, लेकिन गणेश आचार्य जी बात नहीं सुने। इसके बाद हमने लेटर देना चालू किया और उनसे रिक्वेस्ट करना चालू किया लेटर द्वारा, जो कि हमने कभी भी उनसे डायरेक्ट बात नहीं किया हुआ है और ना ही उनसे हम लोगों ने, हमारे किसी पदाधिकारी ने उनसे डायरेक्ट कभी फोन पे बात किया हुआ है। उनके ही पार्टनर सरसेलर जी हमारे पास, हम लोगों को बोले कि हम गणेश मास्टर आपसे, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके ही ऑफिस में जो कि जहां पे सीसी कैमरा लगा हुआ है, हम लोगों ने उनसे बात किया, उन्होंने बोला ठीक है हम बात करते हैं। और हमने वहां पे कई मुद्दों पर बात किया, जैसे वो फेडरेशन को, हमारे फेडरेशन से एफिलेट एसोसिएशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस पर भी चर्चा हुआ और हम लोगों ने फेडरेशन को, उन्होंने काफी गलत सही बातें किया था, हमने बोला आपको फेडरेशन के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको लगता है कि फेडरेशन गलत कर रहा था आपको तुरंत हमसे बैठ के बात करनी चाहिए थी, खत्म हो जाता, लेकिन मेंबर का पेमेंट हमें चाहिए। वो हम लोग को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग डर जाए, मेंबर का पेमेंट नहीं मांगे। वो हमेशा से लोगों का जो प्रोड्यूसर से पेमेंट लेते हैं उतना पेमेंट नहीं देते हैं, प्रोड्यूसर से तो पेमेंट तुरंत लेते हैं लेकिन हमारे मेंबरों को साल साल दो दो साल तक पेमेंट नहीं देते। प्रोड्यूसर से 5,000 का पेमेंट लेते हैं, हमारे मेंबर को 2,000-3,000 रुपए देते हैं। जो भी मेंबर उनके खिलाफ बात करने की कोशिश करता है उसे काम पर से निकाल देते हैं। नहीं, आपने कहा हमेशा वो ऐसा करते हैं, लेकिन मामला पहली बार सामने आया है, आप बता सकते हैं इससे पहले 2006 में भी उन्होंने हमारे फेडरेशन के पदाधिकारी, जो पुरानी पदाधिकारी थे, उनसे मारपीट करने की कोशिश किए थे गोवा में, और काफी इनके कंप्लेन हमेशा से वर्करों को आते रहता है। आपको कई डांसर ऐसे मैं सामने ला दूंगा कि जिसके आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया हुआ है, और जो 2006 में केस हुआ था गोलमाल फर्स्ट का गोवा में हुआ था। क्या था गोलमाल का? उसमें कुछ नॉन मेंबरों के साथ वो काम कर रहे थे, हमारे लोग यहां से गए तो वहां के लोकल लोगों के साथ, हमारे पदाधिकारियों के साथ, जो उस समय के पदाधिकारियों के साथ मारपीट करने की कोशिश किए थे। उसके बाद फेडरेशन ने उनके खिलाफ नॉन कॉम्प्रेशन निकाला था, वो फेडरेशन में आकर के उन्होंने माफीनामा मांगा था और उन्होंने अनकंडीशनल माफी लिया था कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तिवारी जी, आगे स्टैंड क्या रहेगा, अब क्या किया जाएगा? अब आगे यही स्टैंड है कि जब से हमको ये पता चला है, हम बड़े आश्चर्यचकित हैं कि इतना बड़ा मास्टर होकर के इस तरह से कैसे स्टेप ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब यही रहेगा कि हम तभी उनके साथ काम करेंगे जब वो मजदूरों का पेमेंट कर देंगे, और जो कुछ इल्जाम लगाया है उन्होंने उसको वापस नहीं ले लेते हैं तब तक हमारा कोई भी वर्कर उनके साथ काम नहीं करेगा। किसी भी तरह की इंक्वायरी फेस करने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, हम सच्चे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है उनके पार्टनर के ही ऑफिस में है, उसको ला करके देने के लिए तैयार हैं, उनसे ही मंगवा लेंगे, पुलिस स्टेशन में बैठेंगे, क्या उन्होंने बोला है, क्या हमने बोला है, कहां कहीं भी कोई जिक्र यदि जरा भी जान से मारने की आई हो तो हमको जो भी सजा मिलेगी हम उसके लिए तैयार हैं, फेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी को जान से मारने का ही नहीं। हम जब अपने वर्कर के लिए पैसे मांग रहे हैं आपसे तो उसमें जान से मारने वाली तो कोई बात ही नहीं उठती है। ये गलत, सरासर इल्जाम उनका गलत है। मैं उनसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो अपने तमाम आरोप वापस ले लें, और फेडरेशन एक परिवार है, हम सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हमारी आखिरी अदालत फेडरेशन होती है,
इसके अलावा हम न पुलिस स्टेशन में जाते हैं न अदालत में जाते हैं। वो फेडरेशन उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि अभी भी देर नहीं हुई है गणेश जी, आप अपने सारे आरोप जो गलत आरोप लगाए हैं उसे वापस ले लीजिए, यदि उसमें जरा भी तथ्य है तो आपके पास अधिकार है कि हम में से किसी से भी बुलाकर बात कर सकते हो, किसी पर भी आप अपनी रोष दिखा सकते हो, गुस्सा दिखा सकते हो, मगर पुलिस को भी गुमराह करना, प्रेस को गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, आप अपनी छवि खराब कर रहे हैं। हमारी छवि तो बिगड़ी हुई है, हम तो कुछ समय तो लोग जानते नहीं थे, आप ही के माध्यम से लोग जान जाएंगे, तो ये काम करना बंद करें और इंडस्ट्री में एक अच्छा माहौल क्रिएट करें। आपका नाम बहुत है, उस नाम के हिसाब से चलें। धन्यवाद। सेट पे इन लोग आए थे, गोलमाल के सेट पे आए थे इन लोग, गोलमाल के सेट पे इन्होंने शूटिंग रोकी थी। उसके बाद मेरे को फेडरेशन ने बोला कि आप ये करो, तो मैंने चलो अच्छा जान दो ठीक है, उस वक्त कुछ हुआ था, मैंने सॉरी बोला, लेकिन इस वक्त मैं सॉरी नहीं बोलने वाला किसी चीज में, मैं गलत हुई नहीं, मैं जो लड़ रहा हूँ वो सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, हक के लिए लड़ रहा हूँ। आपका नाम है निर्माता में, कुछ पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है तो नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। आप सब जो भी भिखारी की बात करनी है ना, चेक का ये वो सब शरद सेलर से करो, शरद सेलर प्रोड्यूसर है, मैं आपको लेटर दे दूं अभी उसका, शरद सेलर का लेटर है मेरे पास, वो प्रोड्यूसर है, मैं डायरेक्टर हूँ। अभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर पेमेंट भरेगा क्या उसमें? निर्माता में आपका नहीं, निर्माता ये शरद सेलर ने, उसमें दालावा को प्रोड्यूसर, लेकिन एग्रीमेंट में शरद सेलर प्रोड्यूसर है, शरद सेलर पैसा देगा लिखा हुआ है। एक 102 की शूटिंग 3 घंटा इन्होंने शूटिंग मेरी रोकी थी, मैं इनको रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि मेरी शूटिंग मत रोको, रोको, मुझे मजबूरन शूटिंग स्टार्ट करने के लिए चेक दिया, और मैंने उसे बोल भी दिया था कि मैं चेक में ये पास नहीं करूंगा, आपको जो करना है करो। पिछले केस में इम्पा प्रेसिडेंट मिस्टर टीपी अग्रवाल भी आपके उसमें केस में आए थे, तो आपने नहीं, टीपी जी से बात हुई थी, टीपी जी से मैंने बोला टीपी जी ये शूटिंग रोको। देखो मैं प्रोड्यूसर का भी मेंबर, मैंने बबलू जी से भी बात की, मैंने मुकेश जी से भी बात की, मैंने सबसे बात की कि ये मैटर चल रहा है, बात करो, उनसे बात हुई है, वो मैटर का इसमें बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो है आपको कंप्लेंट के बारे में बात करनी, कंप्लेंट के बारे में ये बता रहा हूँ कि मुझे गंगेश्वर और अशोक दुबे और बी एन तिवारी ने ये बोला कि आप शूटिंग कैसा करते हो, यहाँ पे आप शूटिंग कर ही नहीं सकते, ये मुझे धमकी दी। लेकिन मास्टर जी एक एसोसिएशन होती है और एसोसिएशन के बाहर जाके कायदा कानून वो करना, एसोसिएशन का इसका कोई मतलब ही, एसोसिएशन के बीच में ही हूँ मैं, एसोसिएशन बीच में ही जाके कर रहा हूँ, लेकिन मानने तैयार ही नहीं है। आप आके शूटिंग पे रोकते हो, आप आके शूटिंग पे बात करते हो, आप आके आपको हक है शूटिंग रोकने का? आपने 3 घंटा शूटिंग रोकी 102 पे मेरी, आप बताओ कौन से एसोसिएशन है, किधर है, किसी कौन से कानून में लिखा है 3 घंटा शूटिंग रोक सकते हैं? मेरे को आपने वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आप में फेडरेशन से सवाल करना चाहता हूँ कि ये क्या है सर, ये नए नए नई सीढ़ी ओपन कर दी, आप एसोसिएशन बोल रहे हैं फेडरेशन में? एक मिनट सुनिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि जब फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे जीत के आए, ओके, उन्होंने क्या किया, गंगेश सर को डिस्प्यूट चेयरमैन बनाया, जो अलाइट के जनरल सेक्रेटरी है, आज वो इधर ट्रेजर बन गए। तो सर मैं बोलना चाहता हूँ ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये दिख रहा है इसमें राम कदम जी का फोटो है, गंगेश्वर का, ये हमारे यूनियन खड़ा कर दिया, हमारे 1100 के पेट पे लात मार दी उन्होंने, ये हमारा आईडी है, ये 5-5 रुपए बना रहे हैं, हम लोग 3 लाख बनता है कार्ड का सर, तो ये हमारे साथ जाती नहीं है, दादागिरी नहीं हो रही है, क्या हो रही है हमारे साथ में? हम सेट पे गए तो वहाँ फोन पे बोला जाता है कि इनका शूटिंग सब पैकअप करो, इनको ये करो, हमारे मेंबर यूज होगा, पुलिस को बुलाओ, ये बोलो, ये कौन सा मेंबर खड़ा हो गया, इनके ये कार्ड ये बना रहे हैं लोग, तो काय के हमारे माए बाप है, ये काय के माए बाप है, ये तो नया बिजनेस चालू किया इनका, और वही चक्कर में हमारे एक डांसर सुसाइड कर लिया अभिजीत शिंदे ने, क्योंकि अभी मैं भी शूटिंग कर रहा था 30 तारीख को कमलिस्तान में शूटिंग कर रहा था, तो ये लोग आ गए थे वहाँ पर, मुझे गाड़ी में बैठाया गया अशोक दुबे ने, बात बात किए जो भी किए सब खत्म करने के बाद, और अशोक दुबे से गाड़ी बैठा के बात करने के बाद सब होने के बाद सब सॉर्ट आउट हो गया, तो मैं बोला कि फेडरेशन में पेमेंट क्यों देगा, जब मेरे डांसर्स काम करे तो यहीं पर देंगे ना। उसके बाद मुझे बुलाया गया, मुझे धमकी दिया गया कि तू कैसा काम करेगा मैं देखता हूँ, तू फेडरेशन का, बोला फेडरेशन के अगेंस्ट नहीं है, मुझे बोल रहे कि तू कैसा काम करेगा मैं देखता हूँ, मैं ये मेरे भी नहीं, तुम लोग हम लोग के नहीं है ये वो, तो मैं देखता हूँ तू कभी कैसा काम करेगा, मुझे ऐसे कुछ दिखा रहे थे, तो मैं डर गया, तो मेरा क्या करूँ, बोला चलो भाई सीखे हम झगड़ने वाले में से नहीं है, हम जाते हैं डायरेक्ट, और हम लोग पुलिस में मैंने अपना कंप्लेन कर दिया। मास्टर जी आपसे एक सवाल ये रहेगा कि आप उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो आप पे लगाएंगे, तो मैंने किसी इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने मेरी शूटिंग पे आके मुझे तकलीफ नहीं दी, इसे मैंने पुलिस कंप्लेंट दी है, मैंने कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैं क्लियर मुंह पे बोल रहा हूँ कि मैंने कोई जान धमकी देने की कंप्लेंट नहीं की। मेरे शूटिंग पे आके कैसा कोई रोक सकता है? 2 बार शूटिंग रुकी आपकी एसोसिएशन, कोई भी आके मुझे हेल्प नहीं किया,
दो बार मेरी शूटिंग में आके मेरे को एक बार मैंने कंप्लेंट दी, मैंने प्रोड्यूसर में भी दिए, मैंने फेडरेशन में भी दिए, मैंने सब जगह दी, हर जगह दी। मुझे मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ा कि इन लोग मेरे को, अभी 27 तारीख को मीटिंग हुई थी जिसमें मुझे गंगेश्वर ने दादागिरी के साथ बोला कि तुम कैसा शूटिंग कर रहा मैं देखता हूँ, तुम शूटिंग करके तो दिखाओ, ये मुझे बोला गया तब मैंने कंप्लेंट दी। लेकिन उनका कहना है कि बात बड़े ही दोस्ताना माहौल में हुई है, जाते दोस्ताना माहौल में होती आते समय हाथ मिलाया और इस चीज की सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे अवेलेबल है। दोस्ताना अगर है तो सीसीटीवी निकाल के आप देख लो, पता चल जाएगा मैं गलत हूँ क्यों गलत हूँ। निकालो सीसीटीवी और बात करो, वो तो आपके पास है ही, शरद चलर के ऑफिस में मीटिंग हुई है, मुझे पता है सब। जो भी है देखिए, मैं सच्चाई लड़ रहा हूँ, मैं एक डांसर लगे साथ में हूँ जिनका मैं मेंबर बैठे से उनका मैं डांसर्स के साथ में हूँ। एक तो इनको ये 900 लोग के इधर इनको रोका गया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने डांस मास्टर्स है हमारे बड़े बड़े जो इसी CDM से मेंबर बन के आए हैं, वो प्लीज़ इन डांसर को नचाए, वो डांसर को नहीं नचाए जो अभी 1.5 साल पहले बने हैं जो कम में, ये उन लोग भी डांस मास्टर भी इधर से आए, मेरी भी लड़ाई इसलिए, मुझे इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए मेरे को शरद शेलार मेरे पे डाला जा रहा है, मेरे पे ये डाला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें सबको सच्चाई मालूम है, हर डांस मास्टर को मालूम है, हर डांसर को मालूम है, हर असिस्टेंट को मालूम है, सब आप लोगों को भी मालूम है कि अगर आपकी यूनियन में कोई दूसरी यूनियन घुसेगा तो आप क्या करोगे। ये जो CDA का मैटर है जहाँ पे इलेक्शन हुआ 15 तारीख को, आपने फेडरेशन में 10 तारीख को एक इलेक्शन किया, उसमें से जो जाहिद और जो डेरिक रवि इन लोगों ने जो इधर ताला मारा था फेडरेशन की चाबी, तो उन लोगों ने जाके उधर बिना नोट वोट के इलेक्शन करके जीत के आ गए, जबकि यहाँ पे 450 लोग 15 तारीख को आके जीत के आए, यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट है, ट्रेजर है, सब यहाँ पे। तो मेरी लड़ाई सिर्फ सच्चाई के लिए, आज भी मैं बोल रहा हूँ डांस मास्टर को, प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज ये जो डांसर्स 900 और यही डांस मास्टर यहाँ से आए, इनको बुलाओ, इनसे काम करो, जो बाहर के लोग जो डांसर बनाए गए जो दूसरी यूनियन में, काम मत करो, मेरी लड़ाई यही है और आज भी यही बात है। अगर ये फेडरेशन इन लोग मानते हैं प्यार से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इन लोग का काम है। मेरी जो लड़ाई जो मेरी पुलिस के थ्रू थी, मेरी यूनियन के थ्रू मैं कर रहा हूँ, इन लोग ने मेरी 2 बार शूटिंग रुकी, मेरा प्रूफ है, मेरे पास 102 उमर शुक्ला का लेटर है, मेरे पास फैंटम का लेटर है कि इन्होंने 3 घंटा मेरी शूटिंग रोकी। वो शूटिंग रोकने के चक्कर में मेरी शूटिंग अमित जी ऋषि को करने के चक्कर मैंने चेक दिया, मैंने बोला भी था, मैंने वो अपने उनके जो बुढ़े से है कौन है आते हैं उनको बोला था, सर मैं चेक पास नहीं करूँगा, मेरी शूटिंग होनी चाहिए, कि मैं चेक क्यों दूँ जब, और मेरे पास लेटर है, मेरे पास प्रूफ है। शरद शेलार उस दिन मीटिंग में आप बोले थे बैठा हुआ था, शरद वो जो सीसी शरद शेलार को बुला, वो बात करेगा आपसे। हाँ, निष्कर्ष कहने का निकलना, निष्कर्ष यही निकलना चाहिए, हमको झगड़ा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो 900 मेंबर्स है जो 70 साल से यहाँ पे 60 साल से 70 साल काम कर रहे हैं, इनका हक इनको नचाया जाए, कोई और दूसरी के डांसर मेंबर नहीं नचाया जाए। वो कल उठ के आप यूनियन बनाओ जो भी, उससे हमको कोई लेना जाए, लेकिन जो इनका हक है इनका हक मत मारो, इनका ही पेट है। आज इनके इनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, इनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, इससे मेरे पे प्रॉब्लम हुई सब। आज इनके लिए मुझे खुल्लम एक नोटिस है मेरे पास कि आप प्लीज़ सीनियर डांस एसोसिएशन के पीछे मत पूरो, हम पे कार्यवाही करेंगे, तो मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरी डांस डायरेक्टर यूनियन फेडरेशन के साथ नहीं है। बहुत सारी यही लास्ट है कि प्लीज़ प्यार से अभी भी बैठो, फेडरेशन जो अभी ये जीत के आए इनको कबूल करो, जो दूसरे उनको लेके आओ, और ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब डांस मास्टर को आप लोगों कि ये जो इतने सालों से है इनको यूज़ करो। अब मेरी कोई लड़ाई, मेरी लड़ाई इनके साथ है, ये लोग मुझे बुलाएंगे, मैंने कंप्लेंट ली, पुलिस बुलाएंगे, मैं सामने सामने क्लियर कर दूंगा, और कोई जान से मार के धमकी नहीं दी, मेरा काम रोका गया उसकी कंप्लेंट की, मेरे पास कंप्लेंट है।